हेलो दोस्तों, हेलो हेलो, आप सब लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो में मैं जाने वाला हूँ उस पर बाइक का जो हीरो ब्रांड एसएमपी है, उधर जाने वाला हूँ और उधर जाकर उधर जितने भी प्लेयर्स हैं उन सारे को एक सरप्राइज गिफ्ट देने वाला हूँ। हाँ दोस्तों, उधर जितने भी प्लेयर्स हैं उन सारे को मैं एक सरप्राइज गिफ्ट देने वाला हूँ। और मैं सोच रहा था कि क्या सरप्राइज गिफ्ट जो है दिया जाए, तो वह सोच रहा था कि माइनक्राफ्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जाहिर सी बात है आर्मर होता है। जिसके पास तगड़ा आर्मर रहता है वो कुछ भी कर सकता है। तो मैं सोच रहा था कि सबको आर्मर गिफ्ट किया जाए, लेकिन मैं फिर से सोच रहा था कि नहीं भाई, आर्मर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होता है वो होता है एलेट्रा। तो उसके बाद मैं सोच रहा था कि सब लोगों को एलेट्रा गिफ्ट करते हैं, मतलब उधर जितने भी प्लेयर्स हैं एसएमपी में उन सारे को एलेट्रा गिफ्ट करते हैं। और उज्जवल भाई भी कह रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है कि ट्रैवल करने में, तो जब एलेट्रा उन लोगों के पास आ जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा आसानी से वो लोग ट्रैवल कर सकते हैं। तो मैं इसीलिए सोचा एलेट्रा गिफ्ट करते हैं। और दोस्तों, अभी रात का 1 बजा है, तो मैं जल्दी से जल्दी जाता हूँ और किसी को भी पता भी नहीं चलने देता हूँ कि भाई इधर कोई आया है और हमको सरप्राइज गिफ्ट में एलेट्रा देकर चला गया है। तो मतलब किसी को भी पता भी नहीं चलने दूंगा कि इधर कोई आया है। मेरे हिसाब से लगभग हमको पहुँचने में 2 बज जाएगा, तो उस समय तो कोई भी होगा ही नहीं। तो हम जल्दी से जाएंगे और इधर किसी को भी पता भी नहीं चलने देंगे कि भाई इधर कोई आया है और एलेट्रा रख कर चला गया है, तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। तो वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले एलेट्रा जो है ले लेता हूँ, मैं अपने घर में रखा है। तो मैं जल्दी से जल्दी अपने घर में जाता हूँ और एलेट्रा जो पिक कर लेता हूँ। आप देख सकते हो ये जो मेरा मॉडर्न हाउस है। तो कमेंट करके नीचे बता दो कि आप लोगों को कैसा लगा ये मॉडर्न हाउस। तो चलते हैं जल्दी अंदर। तो अंदर मैंने नीचे बेसमेंट में रखा है, तो आप लोगों को दिखा देता हूँ। और अब देख सकते हो मेरे पास कितना ज़्यादा जो ड्रैगन का हेड है कितना ज़्यादा आ गया है, मतलब बहुत ज़्यादा एलेट्रस मैंने ढूंढा था ना। तो मैंने अंडर चेस्ट में रखा था, तो इसमें है, हाँ इसमें है एलेट्रस जितने भी है। तो आप देख सकते हो मैंने कितना ज़्यादा एलेट्रस जो फाइंड करके रखे है। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप देख सकते हो मेरे पास पूरे के पूरे 11 एलेट्रस है, और इन सारे के सारे आप देख सकते हो पूरे के पूरे मेंडिंग है, और दोनों एंजेंटमेंट्स इसमें लगे हैं। अनब्रेकिंग 3 भी लगा है और मेंडिंग भी लगा है, तो उन लोग को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुआ तो मेरे को इतना ज़्यादा एलेट्रस फाइंड करने में और उसके बाद इसको एंजेंटमेंट भी करने में, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही बनता है। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुआ, काफ़ी ज़्यादा मैंने एंड सिटीज राइड की है उसके बाद तब जाकर मेरे को इतना ज़्यादा एलेट्रस मिले हैं। तो इसके लिए तो लाइक बनता ही बनता है, तो लाइक कर दो। तो मेरे हिसाब से हमको 8 एलेट्रस ज़रूरत होंगे, तो मैं 8 एलेट्रस जो है ना वो ले लेता हूँ। पूरे के पूरे 8 एलेट्रस मैंने ले लिया है। तो इधर से अभी निकलते हैं, तो मैं जल्दी से जाता हूँ। सबसे पहले इधर रख देता हूँ जो फायर रॉकेट्स है, इतना रॉकेट्स काफ़ी होंगे, मैं आराम से पहुँच जाऊँगा मेरे हिसाब से उतने। तो जल्दी से जाते हैं हीरो ब्रेन एसएमपी को, मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ कि, तो जल्दी से निकलते हैं चल भाई। तो दोस्तों, मैं उधर जाकर आप लोगों से मिलता हूँ, मतलब जब हीरो ब्रेन एसएमपी में पहुँच जाता हूँ तो उसका सीट जो है मेरे को पता है। तो मैं जल्दी से जल्दी उधर पहुँचने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप देख सकते हो मैं हीरो ब्रेन एसएमपी में आ चुका हूँ। जैसे कि अभी आप देख सकते हो मैं हीरो ब्रेन एसएमपी में आ गया हूँ। आप देख सकते हो रात भी हो चुका है, मैं सुबह निकला था, रात हो चुका है। तो सबसे ज़्यादा नज़दीक घर है तो अज्जू भाई है, तो मैं जल्दी से जाकर उनके घर के अंदर एलेट्रा जो है रख कर निकल जाता हूँ, क्योंकि काफ़ी जल्दी कोई भी आ सकता है। तो इधर कोई भी चेस्ट उन्होंने रखा नहीं है, तो मैं नीचे जाकर उनको चेस्ट में रख देता हूँ। तो इधर उन्होंने चेस्ट रखा है, तो इस चेस्ट में मैं एलेट्रा जो है रख देता हूँ। तो खाली चेस्ट है, तो इधर मैंने एलेट्रा रख दिया है। तो अज्जू भाई का घर में मैंने एलेट्रा रख दिया है। तो अभी दूसरा घर, तो ईशान भाई का घर के पास जाते हैं, और क्योंकि उनका घर जो है ना काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, तो ईशान भाई के घर के अंदर जाते हैं और जाकर उनको भी एलेट्रा जो है दे देते हैं। तो मैं जितना जल्दी हो सकता हूँ ना उतना जल्दी मैं जाकर सब लोगों के घर के पास एलेट्रा रख कर आ जाता हूँ। थोड़ा सा लैग हो रहा, ठीक है कोई बात नहीं, तो मैं इधर ही रख देता हूँ एलेट्रा जो है ना। तो दोनों लोगों के पास मैंने एलेट्रा रख दिया है। तो अभी भिक्षु को ज़्यादा नज़दीक घर, हम मेरे को लगता है भिक्षु का घर है, बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, तो उसको भी दे देते हैं। तो नहीं, चपाती भाई को दे देते हैं भाई, सबसे पहले चपाती भाई को दे देते हैं। और इनका जो चेस्ट है एक नीचे ही रखा है और ऊपर स्केलेटन भी है, मेरे को जल्दी से जाकर इधर रख देता हूँ मैं एलेट्रा। नहीं, पिकेक्स नहीं, एलेट्रा देना है ना, एलेट्रा दे दिया। तो अभी भिक्षु का घर है, बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, लगभग 3 लोगों को मैंने एलेट्रा जो है दे दिया है। तो जल्दी से जल्दी दे देता हूँ, क्योंकि लगता
अगर कोई भी आ गया ना तो फिर से मेरे को भागना पड़ेगा। मतलब मैं चाहता हूँ कि किसी को भी पता नहीं चले, मतलब अचानक उन लोगों को एक सरप्राइज़ मिले कि भाई आ गया हमारे पास एक है। तो मेरे हिसाब से भिक्षु ने ना पीछे चेस्ट बना के रखा है, तो मेरे हिसाब से पीछे है चेस्ट, तो चेस्ट जो है ना पीछे ही है। तो दोस्तों भिक्षु का घर के पास भी इधर भी एक एलेट्रा, तो दोस्तों मैंने पूरे के पूरे चार लोगों को एलेट्रा जो है ना दे दिया है। तो अभी अगला बारी आता है, तो मैंने इसको भी एलेट्रा दे दिया, और मैंने चपाती भाई को भी दे दिया, और अज्जू भाई को भी दे दिया, ईशान भाई को भी दे दिया, भिक्षु भाई को भी दे दिया। तो अभी मैं और नज़दीक घर है यस माटी भाई को भी दे देते हैं। भाई कुर्सी ने मारा यार, यार किसी ने मारा यार, इसको इसको बाद में देखते हैं। तो ये ट्रेड है, तो जल्दी से जल्दी मैं जाता हूँ एस मार्टी भाई को, उसको भी दे देता हूँ एलेट्रा। तो दोस्तों मैं एस मार्टी भाई का जो घर के अंदर है पहुँच गया हूँ, तो ओपन द डोर, तो प्लीज़। तो मेरे को लगता है कोई भी आ सकता है दोस्तों, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा कि कोई भी आ ना जाए। तो मैं जल्दी से रख देता हूँ एलेट्रा, अभी भी मेरे पास तीन एलेट्रा बचा है। तो दोस्तों अभी लगभग पांच एलेट्रा हमने दे दी है। तो मैं अबे फैंटम फैंटम आ रहा है, तो फिर सीन ये है, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ डोर, मतलब पता ना चले कि कोई आया है। तो अभी अगला घर आता है, अगला मैं एंड्रो भाई को दे देता हूँ। तो ये अज्जू भाई ने ये घर बनाया ऑक्शन में, लेकिन इसको अभी तक कोई ख़रीदा नहीं है, तो इसको ऐसे ही रहने देते, मतलब अभी ये घर किसी का भी नहीं है, तो अज्जू भाई का ही है। तो मैं एंड्रो भाई को दे देता हूँ, एंड्रो भाई को भी दे देता हूँ। तो दोस्तों अभी बारी आता है एंड्रो भाई को, और एंड्रो भाई को दे देते हैं। इस एंड्रो भाई का घर अभी तक पूरी तरीके से नहीं बनाया, मतलब पूरे के पूरे अंदर ही बना है, तो थोड़ा सा लैग हो रहा, तो इसको नेगलेक्ट कर लो। तो मैं सबसे पहले जो एलेट्रा है वो रख देता हूँ इधर, इधर एलेट्रा जो है ना रख देता हूँ मैं। तो एंड्रो भाई को भी मैंने एलेट्रा दे दिया है, अभी सिर्फ दो ही लोग बाकी है, उज्जवल भाई बाकी है, अभी सिर्फ दो ही लोग बाकी है दोस्तों, उज्जवल भाई बाकी हैं। तो मैं सो जाता हूँ भाई, रात सुबह हो जाएगा तो मैं जाकर जब लोगों को एलेट्रा दे सकूँ। तो अभी सिर्फ दो ही लोग बाकी है, उज्जवल भाई को अभी देना बाकी है एलेट्रा। भाई इधर ही क्रीपर है भाई, भाई सिर्फ मेरे पास दो ही हार्ट्स अभी, चल अरे फटेगा क्या, फट गया। तो अभी उज्जवल भाई को देना है, तो अभी गेमर फील्ड को भी दे देते हैं, तो गेमर फील्ड को दे देते हैं, उसके बाद आखिरी में हम उसके बाद उज्जवल भाई को भी दे देते हैं। तो गेमर फील्ड के पास भी मैंने अलर्ट रख दिया, तो लगता मेरे को कोई मार रहा यार, मेरे पास टू टाइम ऑफ फंडिंग था, नहीं तो मैं मर गया होगा भाई, मर गया। अगर मेरे पास टू टाइम ऑफ फंडिंग नहीं होता तो मैं अब तक तो मर गया होता। तो मैंने लगभग सारे लोगों को दे दिया, सिर्फ और सिर्फ उज्जवल भाई को भी देना बाकी है। तो जल्दी से जल्दी मैं उज्जवल भाई को भी दे देता हूँ एलेट्रा, उसके बाद हम इधर से निकल जाएंगे। अभी सिर्फ उज्जवल भाई ने बहुत ही बढ़िया टावर बनाया, लगता नहीं घर है या फिर टावर है, तो जल्दी से जाकर रख देते हैं। भाई इधर क्या है भाई, वॉन्डरिंग ट्रेडर एलेट्रा रख देता हूँ, लगता कोई आया है दोस्तों, लगता कोई ज्वाइन हो गया, तो मेरे को भागना पड़ेगा अभी, मेरे को इधर से भागना पड़ेगा। मैं बाद में आकर एलेट्रा दे देता हूँ, भागो भागो जल्दी भागो भाई जल्दी। तो दोस्तों लगता कोई आया है, तो मेरे को जल्दी से भागना पड़ेगा, क्योंकि मैं किसी को भी पता नहीं चलने दूंगा कि भाई कोई आया है, एलेट्रा रख कर चला गया है। तो मैं इसके बाद में आ जाऊंगा, बाद में आकर एलेट्रा दे दूंगा। तो दोस्तों जैसे कि अभी आप देख सकते हो मैं अपने घर के पास आ गया, लगभग मैंने जितने भी प्लेयर्स से हीरो ब्रेन SMP में मैंने सारे लोगों को एलेट्रा जो है गिफ्ट कर दिया, वो भी फुल्ली एंजेंटेड एलेट्रा मैंने सारे प्लेयर्स को गिफ्ट कर दिया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उज्जवल भाई रह गए थे, सिर्फ और सिर्फ उज्जवल भाई को ही हमने एलेट्रा जो है गिफ्ट नहीं कर पाए थे। वो सिर्फ इसीलिए, मतलब एंड मौके में क्या हुआ ना, वो कोई आ गया था तो फिर से मतलब कोई गेम ज्वाइन कर लिया था, तो उसकी वजह से मैंने नहीं दे पाया एलेट्रा। लेकिन आप लोगों से मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अगले बार जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकता मैं फिर से जाऊँगा और जाकर उज्जवल भाई को भी एलेट्रा जो है ना गिफ्ट कर आ जाऊँगा। मतलब ऐसा ठीक नहीं रहेगा ना, मतलब सारे लोगों का एलेट्रा मिल गया, सिर्फ और सिर्फ उज्जवल भाई को भी एलेट्रा नहीं मिला, तो ऐसा नहीं होगा।
मैं जितना जल्दी हो सकता है अगला जो स्ट्रीम स्टार्ट होने से पहले मैं जल्दी से जल्दी मैं एलेड्रा जो एक गिफ्ट कर आ जाऊँगा। तो आज का वीडियो में बस इतना ही, अगर आप लोगों को पसंद आए तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, और आप इस चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा, अलविदा।